हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी आप 10th क्लास के आपने एग्ज़ाम दिए, अभी आप 11th क्लास में के लिए तैयार हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 10th क्लास के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, बहुत आसान चैप्टर था। उसी से संबंधित अपने यहाँ प्लस वन के अंदर भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिल करके बनता है, ट्रिगोन प्लस मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों ट्राइंगल, एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इट मीन्स कि जो ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं हमें वो मेजर करने हैं, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ एक्स। अपने पास आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में साइन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड, सीकेंड एंड कोट थीटा होते हैं। मेन जो इस चैप्टर के अंदर प्यारे विद्यार्थी होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, जो नीचे जो होता है वो बेस, ये परपेंडिकुलर, ये अपना हाइपोटन्यूज। एक फॉर्मूला आपने 10th के अंदर किया होगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, और पी मीन्स फिर से परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटन्यूज। इसका जो हिंदी जो वर्जन जो होता है वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये हम इसको याद करने की जो ट्रिक है बच्चों, ये वो है पी अपॉन एच जो अपने पास होता है वो होता है साइन थीटा, बी अपॉन एच जो प्यारे विद्यार्थी होता है वो होता है कोस थीटा, पी अपॉन बी होता है टेन थीटा। 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, अगर हम साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसिकेंड थीटा, तो एच अपॉन पी इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा, एच अपॉन बी इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, और बी अपॉन पी मीन्स कोट थीटा। 10 का जो अपोजिट होता है वो होता है कोट थीटा। प्यारे विद्यार्थी, ये चीज़ें तो 10th क्लास के अंदर थी। 11th क्लास में कुछ चीज़ें नहीं आई हैं आपके अंदर कि हमें डिग्री मेजर करना है और रेडियन मेजर करना है। प्यारे विद्यार्थियों, सपोज करो कि मैंने ये कोई एंगल बनाया 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री से कुछ ज़्यादा है, लेकिन आपने मान लिया जूम किया ये 1 डिग्री है। आप लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें नोट करोगे जो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। जो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है वो होता है 60 मिनट। ये ऊपर जो ये डैश का साइन लगा हुआ है ये डिनोट करता है मिनट को, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 मिनट कितने के इक्वल होता है 60 सेकंड। ये जो डबल जो डैश लगे हुए ये साइन होते हैं बच्चों सेकंड के, डबल डैश तो सेकंड के, और सिंगल जो डैश होता है वो प्यारे विद्यार्थियों मिनट का। अब हम इस चैप्टर के कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम रेडियन मेजर करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। रेडियन, मैंने कोई एक सर्कल लिया यहाँ, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये मैंने इसकी एक रेडियस ले ली 1 यूनिट। यूनिट मीन्स कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एच जो भी कुछ हमें होती है यूनिट होती है वो हमने मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, एमएम में हो, तो मैंने 1 यूनिट ले ली। यहाँ मैंने कोई एक आर्क ली, अगर मैंने इसकी रेडियस 1 यूनिट ली तो मैंने इसकी आर्क बी को यहाँ से लेके और यहाँ तक ये मैंने कितने ली 1 यूनिट, और ये मैंने आर्क से रेडियस को सेंटर से मिलाया। मैंने यहाँ जो एंगल बना वो कितना बनेगा बच्चों, थीटा मान लो बना। आर्क की लेंथ भी कितने ली हमने 1 यूनिट। जो आर्क से सर्कल्स के सेंटर से 1 रेडियन का हमने मान लिया एंगल बनाएगी, कितना बनाएगी 1 डिग्री का ही, या 1 रेडियन का ही एंगल बनाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है थीटा निकालना। थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर, एल मीन्स लेंथ ऑफ द आर्क और आर मीन्स रेडियस। अब देखो आप लोग जब देखोगे तो थीटा भी कितना है अपने पास 1 है, लेंथ भी कितनी ली है अपने 1 यूनिट, और आर्क भी कितनी है अपनी 1 यूनिट, तो क्या होगा 1/1 इज इक्वल टू 1, तो इक्वल इक्वल आई कि नहीं आई, तो इट मीन्स ये क्या होगा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो एंगल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, ये थीटा मीन्स एंगल, एल मीन्स आर्क और आर मीन्स रेडियस, और एंगल जो होगा आप लोग ये नोट करेंगे, एंगल जो होगा वो हमेशा रेडियन के अंदर आएगा। एंगल जो होगा वो किस में आएगा, रेडियन के अंदर आएगा, मुझे डिग्री में या उसमें चेंज कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके लिए 3.1 एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगा आप लोग अगर ये चीज़ें अच्छे से देखेंगे तो। इसके अंदर है अगला रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड द रेडियन। प्यारे विद्यार्थियों, क्या रिलेशन होता है डिग्री में और रेडियन में। अभी आपने पढ़ा कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है एल बाय आर। सपोज करो मैंने कोई कंप्लीट एंगल बनाया सर्कल में, कंप्लीट एंगल आपको पता कितने का होता है 360 का, तो मैंने एल इसका पूरा पूरा ले लिया 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल, कंप्लीट सर्कल की 2πr। फिर विद्यार्थियों, थीटा की जगह मैंने एल की जगह वैल्यू पुट की 2πr, और आर कितना है अपने पास,
आर है ही, आर से आर क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 2 पाई रेडियन। और आपको 2 पाई रेडियन, रेडियन का साइन होता है प्यारे बच्चों, मैंने ऊपर जो बनाया, इज इक्वल टू 360। तो 1 पाई रेडियन कितना होगा, 360/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग ये बहुत अच्छे से नोट करेंगे कि 1 पाई या पाई इज इक्वल टू होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। हमने आपको ये वेरीफाई करके दिखाया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग देखोगे कि 180 डिग्री, इसी तरह अब तक तो था 1 पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180, या 180 डिग्री कितना होगा 1 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 पाई रेडियन अपॉन 180, या पाई अपॉन 180। प्यार विद्यार्थियों, हम डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, तो फॉर्मूला रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना तो डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। यहां से ये वाला फॉर्मूला तो रेडियन में चेंज करने के लिए, पीछे वाला जो फॉर्मूला जो आपने अभी जो किया था, फॉर्मूला जो आपने ये जो लिखा था प्यारे विद्यार्थियों, ये डिग्री में चेंज करने के लिए बहुत आसान था, आपके समझ में आया होगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से नोट करोगे कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए रेडियन इंटू 180 इंटू पाई, और रेडियन के लिए डिग्री इंटू पाई इंटू 180, क्योंकि 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180, और 1 पाई होता है 180 डिग्री। प्यारे विद्यार्थी, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर कोरिस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्री। ये जो डिग्री के अंदर है, हमें ये रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन दैट एट 25 डिग्री, कह रहा है कि 25 डिग्री को आप लोग कन्वर्ट करो। वी नो वेरी वेल कि 180 कितना होता है पाई रेडियन, अपने पास कितना गिवन दैट है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। ऊपर अब आप लोग देखोगे कि रेडियन में चेंज करने के लिए क्या होता है, डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, डिग्री कितना दिया होता है 25, पाई इंटू 180 कैंसिल आउट किया आपने तो कितना आया 5π/36 रेडियन। सेकंड नंबर कह रहा है कि 240 डिग्री को कन्वर्ट करो। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट। वी नो कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन, तो पाई इंटू 180 इंटू डिग्री कितनी है 240, जब आपने कन्वर्ट किया कितना है 4π/3 रेडियन, कैंसिल आउट होके। प्यारे विद्यार्थियों, आप बस ध्यान रखेंगे कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, और पाई डिग्री 180 डिग्री के इक्वल इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका प्यारे विद्यार्थी, 520 डिग्री को आप अपने आप करोगे, कन्वर्ट करोगे रेडियन के अंदर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन होल ऑफ द वर्ल्ड, आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब इस बार ही अपने पास रेडियन गिवन दैट है प्यारे विद्यार्थी, डिग्री में कन्वर्ट करना है। एंड गिवन दैट कि यूज पाई बाई इजिकल 22/7 पाई के लिए हमें पता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 11/16 को डिग्री में चेंज करो। वी नो वेरी वेल कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 अपॉन पाई इंटू 11/16, क्योंकि हम जब 1 डिग्री निकालते हैं तो कितना होता है, सॉरी 1 रेडियन निकालते हैं तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई होता है। पीछे मैंने जैसे आपको यहाँ बताया था कि रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई, तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन कितना 11/16, आपने कैंसिल आउट किया प्यारे विद्यार्थी, जो अच्छे से देखेंगे तो अपने पास ये आया। अब पाई की मैंने वैल्यू पुट की 22/7, 7 तो ऊपर का 22 बाहर, अब विद्यार्थियों नीचे कैंसिल आउट हो गया, अपने पास आया 315/8 डिग्री। आपने इसको थोड़ा और सोल्व किया तो आया 39/3/8 डिग्री। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको बताया था, बहुत अच्छे से देखेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। अब इस 3/8 को भी डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने इसको 60 के साथ क्या कर दिया विद्यार्थियों, मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास आया 39 डिग्री + 22 मिनट + 1/2 मिनट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 1/2 मिनट और बचेगा। आपको ये बात भी पता होगा कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 60 सेकंड। अब फिर से जब मैंने इसको मिनट को 60 में चेंज किया तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो अपने पास आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, यानी कि आपके पास जो 3/8 जो 8 बचा था, ये वाली जो वैल्यू बची थी, हमने जब इसको सोल्व किया तो अपने पास आया 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। सबसे पहले डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। प्यारे विद्यार्थी, अब इसका सेकंड नंबर पार्ट हम लोग करते हैं 5π/3, तो वो कब, 180 अपॉन पाई इंटू 5π/3, पाई से पाई क्या हुआ विद्यार्थियों, कैंसिल आउट, 3 से
65 जा 300 डिग्री, तो अपने पास कितना है 300 डिग्री। अब इसके अंदर डायरेक्ट डिग्री में आया है, इसके अंदर होल में पॉइंट नहीं है, हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ना मिनट में आएगा ना सेकंड में आएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट नंबर थर्ड आप अपने आप करेंगे विद्यार्थियों, बहुत आसान क्वेश्चन है। और पुनः मैं आपकी पुनरावृत्ति के लिए बता दूं कि ये जो चीज़ है आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी कि डिग्री में चेंज करने के लिए रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई, और रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। केवल बस इनका अपोजिट करना है, या 180 अपॉन पाई था या पाई अपॉन 180 आपको करना है। एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर डिग्री और रेडियन के अंदर ही कन्वर्ट करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।